दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको 30x40 फीट में बना हुआ और नॉर्थ फेस घर का जो है नक्शा आज आपको हम दिखा रहे हैं। देखिएगा वीडियो को एंड यदि अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिसको भी हाउस प्लान की ज़रूरत है तो हमारा चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल पर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर 8095615113 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा दोस्तों 30x40 फीट में बना हुआ यह घर है और ये जो है इस घर का जो है फुल व्यू जो नॉर्थ की तरफ उत्तर दिशा में जो है इसका मेन रोड आ रहा है। एंटर करते हैं पार्किंग एरिया में। इसमें कुल मिलाकर एक हॉल, किचन, पूजा रूम, एक बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ और एक बेडरूम है और एक आप टॉयलेट रूम चाहते हैं बोले तो भी सीढ़ी के नीचे यहाँ पर ले सकते हैं। एंटर करें आप पार्किंग के अंदर 16x10 फुट 6 इंच का एक मिल जाता है। इसके अंदर देखिएगा ये हॉल 13 फुट 3 इंच बाय 15 फिट ऐसा जो है विड्थ में 13 फुट 3 इंच है और लंबाई में जो है 15 फिट तक आपको मिल जाता है। यहाँ पर टीवी विंडोज़ के लिए जगह मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से किचन दिया गया। किचन साइज़ 11 फुट 9 इंच बाय 8 फुट 6 इंच। यहाँ पे फ्रिज रखने के लिए जगह मिल जाता है या फिर आप छोटे सामान जो है स्टोरेज भी कर सकते हैं इस एरिया में। और उस साथ ही यहाँ पर जो है यूटिलिटी तो कपड़ा वॉश करने के लिए उसके लिए जगह मिल जाता। यूटिलिटी 3 फुट 6 इंच बाय 13 फुट 9 इंच में बना हुआ है एंड इधर आ जाएगा पूजा रूम 6x3 फीट में पूजा रूम दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों यहाँ से एंटर करें इधर आता आपका पहला वाला बेडरूम 11x13 फिट। बेड पोजीशन इस तरह से ईस्ट की तरफ एज ए फेस हेड आ जाएगा और वेस्ट की तरफ हेड आ जाएगा। ईस्ट की तरफ जो है आपके पैर आता है। शेल्फ्स की बात करें तो 6x18 इंच का आप शेल्फ ले लीजिएगा। यहाँ पर लाइट सॉकेट्स के लिए जगह मिल जाता है। कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 7x4 फीट में जो कि मोस्ट कंफर्टेबल है इन माई ओपिनियन विथ वेस्टर्न सिटिंग के साथ। और इधर जो है आता आपका दूसरा वाला बेडरूम। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका कॉलम पोजीशन, कॉलम साइज़। सो कॉलम साइज़ देखिएगा आप 9x15 इंच का कॉलम ले लीजिए और जिसके अंदर 16 mm का सरिया आप 6 डाल दीजिएगा। फुटिंग की बात करें तो 4x4 की फुटिंग। डेप्थ जो है 4 फीट मिनिमम रहना चाहिए। बाकी का जो है डिपेंड रहता है सॉइल कंडीशन के अनुसार। कुल मिलाकर इस घर की जो लागत आती है दोस्तों वो है 15 लाख तो मिनिमम चाहिए बट 20 से 25 लाख के अंदर आप इस तरह का एक 30x40 फीट का घर जो है 2023 में आप लोग बना सकते हैं। 2023 या फिर 24 तक आप बना सकते हैं। और सिर्फ लेबर की बात करें तो 700 रुपये पर स्क्वायर फिट 1200 × 700 कर लीजिएगा तो जितना रिजल्ट आता उसके हिसाब से जो है लेबर चार्ज होता है बट कम ज़्यादा आराम से हो ही जाता समझिए। बिकॉज थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल वेरिएशन वो सब होते ही रहता और जो मटेरियल आप चॉइस करते देखो उस पर निर्भर करता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही एंड इसी तरह से हमारे इस चैनल को भी आप सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद।